तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए डिस्कस किया जाए कि कोई भी रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन कब होता है, उसके कुछ हम एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। रिलेशन से संबंधित कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ने के लिए हमारा एक और चैनल है आशीष शुक्ला मैथमेटिक्स, उस पर जाकर आप रिलेशन से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस किया जाए कि कोई भी रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन कब होता है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल इसके कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज दैट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए। मान लीजिए कोई भी रिलेशन है और सेट ए पे है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पे, तो आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज सेट टू बी एंटी सेमेट्रिक। ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक बोला जाएगा, ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा अगर इस रिलेशन में ए बी बिलोंग करे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर कहीं भी इस तरह की चीजें हो रही हैं कि उस रिलेशन में ए बी भी बिलोंग करे और बी ए भी बिलोंग करे, तब ए इज इक्वल टू बी क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी रिलेशन में ए बी बिलोंग करे और बी ए भी बिलोंग करे, तो वो रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन होगा अगर ए इज इक्वल टू क्या हो, बी हो, ठीक है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो कोई भी रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन कब बोला जाएगा, कोई भी रिलेशन किसी सेट पे एंटी सेमेट्रिक रिलेशन कब बोला जाएगा, जब उस रिलेशन में ए बी एलिमेंट हो और बी ए भी एलिमेंट हो। तो अगर कहीं भी इस तरह की चीजें हो रही हैं कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए बिलोंग कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। मान लीजिए कि आर कोई भी रिलेशन है सेट ए पे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट आर बी आर रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो सबसे पहले वही आइडेंटिटी रिलेशन को कंसीडर करें। आइडेंटिटी रिलेशन आप जानते हैं इस सेट पे क्या है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक है कि नहीं है, देखिए हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर ए बी बी ए इस तरीके की चीजें हों, अगर ए बी बी ए किसी भी रिलेशन में प्रेजेंट हो, तब हम ये चेक करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। जैसे देखें यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हमेशा एंटी सेमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। एक और रिलेशन देखें इसी सेट पे आर पे। अब इसमें देखिए 1 2 है 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 2 है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे 2 3 और 3 2 दोनों यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी बी ए टाइप के एलिमेंट्स किसी भी रिलेशन में हैं, जैसे देखें ए बी बी ए टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, है ना। जैसे यहाँ बोला जा रहा है ना कि अगर किसी भी रिलेशन में, इफ किसी भी रिलेशन में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ देखें ये ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर ये हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक कब होगा, जब 2 इज इक्वल टू क्या हो, 3 हो। यहाँ पे देखें बोला जा रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी ए बिलोंग्स टू आर हो, तो एंटी सेमेट्रिक ये रिलेशन होगा अगर ए इज इक्वल टू क्या हो, बी हो। तो यहाँ पे देखें 2 3 बिलोंग कर रहा है, 3 2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 इज इक्वल टू 3 होता है, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होता है, तो इसलिए ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके की चीजें बिलोंग नहीं कर रही हैं कि ए बी बी ए हो। जैसे यहाँ पे देखें 2 3 3 2 बिलोंग किया, तो हम ये चेक करेंगे कि 2 इज टू 3 है कि नहीं है, तो 2 इज टू 3 होता ही नहीं है, तो ये रिलेशन एंटी सेमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर ए बी बी ए बिलोंग करे, तब हम चेक करेंगे कि ए इज टू बी की कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ये कोई भी रिलेशन है इसी सेट ए पे, इसके एलिमेंट्स देखें 1 3 1 2 2 3 है। तो अगर 3 1 बिलोंग करता है इसमें, जैसे 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो अगर 3 1 बिलोंग करता है, तब आप चेक करते हैं कि 1 इज इक्वल टू 3 है कि नहीं है, ठीक है। अगर बिलोंग करता है तब, जैसे 1 2 है, अब अगर 2 1 बिलोंग करता इस आर में, तब हम चेक करते हैं 1 2 1 इज इक्वल टू 2 है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 2 3 है, अब अगर 3 2 भी होता, तब 3 इज इक्वल टू 2 होने के लिए ये एंटी सेमेट्रिक के केस बनता, ठीक है। इसमें देखिए केवल 1 3 है, 1 3 केवल 1 3 है, 3 1 नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये रिलेशन अपने आप एंटी सेमेट्रिक हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें क्या बिलोंग कर दें, अगर हम इसमें 2 1 भी बिलोंग कर दें, ठीक है, अगर इस रिलेशन में 2 1 भी बिलोंग कर जाता, तब ये एंटी सेमेट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखें 1 2 और 2 1 दोनों इसके एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 2 1 दोनों अगर इसके एलिमेंट्स हैं, तो एंटी सेमेट्रिक होने के लिए 1 इज इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू बी बताया जा रहा है, तो अगर 2 1 भी बिलोंग कर जाता है इसमें, तब ये एंटी सेमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे इस रिलेशन में
एक और रिलेशन है इसी सेट ए पे, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 3 3 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए बी बी ए 1 3 3 1, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब 1:3 होगा, ठीक है, तो 1:3 नहीं हो सकता, ठीक है, तो 1:3 नहीं है, तो ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें देखें, इसमें देखिए 1 1 1 2 1 3 है, ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। दिक्कत तब होती जब 1 2 है और 2 1 भी होता। इसमें देखिए फिर से, इसमें देखिए अच्छे से डिफिनेशन को, कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का और बी ए भी एलिमेंट है आर का, एंड अगर ये और ये दोनों है, तब ये केस हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए 1 2, अगर 2 1 भी होता तब आप एंटीसिमेट्रिक चेक करते, ऐसा नहीं है तो ये अपने आप ही एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 1 1 2 1 3 है, ठीक है, 3 1 भी नहीं है, तो ये रिलेशन अपने आप ही एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो होपफुली आप एंटीसिमेट्रिक को समझ पाए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, कैसे ऐसे एग्जांपल्स जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, या ऐसे एग्जांपल्स जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव ना हो, ऐसे एग्जांपल जो ट्रांजिटिव हो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 कंसीडर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।